हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीलर ब्लॉग्स के एक और फ्रेश न्यू एपिसोड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन मैस्टिफ के बारे में। तो जानते हैं इंडियन मैस्टिफ की कहानी अमन की जुबानी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडियन मैस्टिफ लार्ज साइज के डॉग्स होते हैं, जिन्हें बुली कुत्ता, पाकिस्तानी मैस्टिफ, इंडियन बुल्ली, पाकिस्तानी बुल्ली, सिंधी मैस्टिफ भी कहा जाता है। इन्हें गार्डिंग और हंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पर कुछ लोग इन्हें डॉग फाइट में यूज़ करते हैं जो कि इलीगल है, और इन डॉग्स के ऊपर पैसा लगाया जाता है कौन डॉग जीतेगा। तो अब जान लेते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। तो इनको ओरिजिन सिंध और थंजावुर से। बुल्ली कुत्ता काफ़ी बड़े डॉग्स होते हैं, इसमें मेल्स की हाइट 81 to 89 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है, और वहीं फीमेल्स की हाइट भी 71 to 81 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है, और इनका एवरेज वेट 70 to 90 केजी होता है। बुल्ली कुत्ता काफ़ी बड़े और एग्रेसिव डॉग्स तो होते हैं, पर YouTube पे काफ़ी बुल्ली कुत्ता ओनर से बताया है कि ये घर के मेंबर्स के लिए काफ़ी लॉयल और फ्रेंडली होते हैं। बुल्ली कुत्ता का शॉर्ट कोट होता है जिसे मेंटेन करना आसान है, पर इनके बॉडी पे काफ़ी झुर्रियाँ होती है जिसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब जान लेते हैं बुल्ली कुत्ता के लाइफ स्पैन के बारे में। तो इनका लाइफ स्पैन 6 से 12 साल का होता है। तो अब बात करें कि आपको बुल्ली कुत्ता लेना चाहिए या नहीं। तो हाँ, आप बुल्ली कुत्ता ले सकते हैं, पर ये काफ़ी बड़े साइज़ के डॉग्स होते हैं तो इन्हें एक बड़ी जगह चाहिए होगी, और ये एग्रेसिव भी होते हैं तो आपको बचपन से इनका एग्रेशन कंट्रोल करना होगा। इन्हें अपने फैमिली के साथ घुल मिल के रखना होगा ताकि ये बड़े होकर किसी भी तरह का एग्रेशन ना शो करें। मैं और भी इंडियन डॉग्स के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत लोग इंडियन डॉग्स के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपको बुल्ली कुत्ता के प्राइस के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो डॉग प्राइस लिस्ट पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो बस आज की नई वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दीजिएगा मुक्का मार के 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।